वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ कोमल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ ये डाबर का च्यवनप्राश जो मेरे हाथ में है। अभी आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, इसका रेड कलर और गोल्डन कलर का पैक है और ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो आज मैं इसका रिव्यू भी दूंगी और साथ में इसके बेनिफिट और साइड इफेक्ट भी आपको बताऊंगी। आप इसे किसी भी वेदर में यूज कर सकते हैं लेकिन विंटर में यूज करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। देखिए क्लियरली इस पे मेंशन है डाबर का, और भी आते हैं जैसे पतंजलि वगैरह सबका आता है लेकिन मुझे डाबर का ही अच्छा लगता है। बचपन से हम लोगों ने ये ही खाया है और यहाँ पर भी घर पर भी हम लोग ये ही यूज करते हैं। तो इस पे देखिए इस पे मेंशन भी है च्यवनप्राश इम्यूनिटी, डबल इम्यूनिटी है, इसमें क्लिनिकली टेस्टेड है यहाँ पे मेंशन है। और ये मुझे पड़ा है, मैं बताऊँ ये कितने का है, ये 1 kg है, ये मुझे पड़ा है 310 का। और इसके साथ में मुझे ये फ्री मिला है हनी, डाबर का ही हनी है जो इस पे भी मेंशन है। देखिए 3750 ग्राम का है, 37 रुपीज का ये फ्री मिला है। और इसकी डोज के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस पे मेंशन होता है कि आपको कितना ये लेना चाहिए। ये देखिए ये इसमें एडल्ट के लिए मेंशन है 2 tablespoon लेना है दिन में 2 बार, और बच्चों के लिए इसमें मेंशन है कि दिन में 2 बार 1/2 tablespoon लेना है। और इसमें मेंशन है कि दूध के साथ लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे इसे दूध के साथ लीजिए चाहे इसे पानी के साथ लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं इसके बेनिफिट के बारे में बताती हूँ। इसमें सबसे ज्यादा होता क्या है, इसमें सबसे ज्यादा होता है आंवला, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है इसके अंदर वो होता है आंवला, और विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और इससे सूखने या जलाने के बाद भी इसमें विटामिन सी की मात्रा कम नहीं होती है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, एटलीस्ट इसमें करीबन, अगर इसमें तो बहुत सारी मेंशन है, कम से कम 36-38 ऐसी इसमें करीबन इतनी सारी औषधियां होती हैं, मतलब जड़ी बूटियां होती हैं। इसमें मेन जो होता है वो इलायची है, छोटी इलायची जो हम घर में चाय वगैरह में यूज करते हैं, दालचीनी होता है इसमें, शहद मिला हुआ होता है, और इसमें बहुत सारे हैं। आप रीड बहुत छोटा छोटा एक्चुअली दिखाई नहीं देगा, तो इसके अंदर सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, कुमकुम है इसमें और कमलगट्टा है, सफेद मूसली है, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं इसमें जो हमारे लिए अच्छा है। और इसकी रिसर्च एक किसी बाबा ने की थी, ऋषि थे कोई जिनका नाम च्यवन था, तो एक उन्होंने अपने ऊपर ही इनका रखा था। तो चलिए और इसके बेनिफिट में और बताती हूँ आपको। इसके बेनिफिट, ये एक जो है हेल्थ टॉनिक का काम करता है जो आपके हेल्थ को अच्छे से रखता है, और जितनी मतलब हेल्थ में प्रॉब्लम होने वाली होती हैं उसको ये पहले ही दूर कर देता है। जो आंवला है इसमें वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली जिंदगी रहने लग गई है, भाग दौड़ वाली जिंदगी रहने लग गई है। तो अगर आप लोग इसका मतलब इसको खाते हैं डेली, या फिर हम लोग जंक फूड खाते हैं, जंक फूड की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है, तो इसको अगर आप डेली यूज में लेते हैं तो आपके हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। मेरे हस्बैंड को ऑलमोस्ट कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है लेकिन वो इसको लेते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कंट्रोल में रहता है। कोलेस्ट्रॉल से होता है कि आपके हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अगर आप च्यवनप्राश डेली लेते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दूर होगी। इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, या आपके माइंड के लिए अच्छा है। अगर आप बच्चों को देती हैं तो माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है, माइंड शार्प होता है इससे, और पेट के कैंसर का खतरा इससे कम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें, खांसी इसमें ठीक रहती है, सर्दी में जो हम लोगों को खांसी हो जाती है खांसी के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसको बहुत टाइम से हम लोग यूज करते हैं, बहुत घरों में ये यूज होता है विंटर में, तो खासकर बड़े लोग आप जितने भी देखेंगे वो च्यवनप्राश जरूर यूज करते हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी को दूर करता है। इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं अगर वो च्यवनप्राश खाती है विंटर में तो उनका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहता है, और ये ब्लड को प्योरीफाई भी करता है,
और अगर मतलब मैंने आपको डोज के बारे में इसमें बता ही दिया है तो, लेकिन अगर आप मतलब बच्चा अगर न्यूबॉर्न बेबी है और एक साल तक का है तो उसको अगर देना है तो आप वो डॉक्टर से पूछ के ही दीजिए, किसी के कहने पे मत दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए मैं इसमें नहीं बता सकती हूँ। छोटे बच्चों का वैसे भी डाइजेशन सिस्टम अलग होता है, और डॉक्टर से अगर आप पूछ के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, और लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके आधे घंटे बाद लीजिए। अगर आप इसे खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा है, खाली पेट पानी के साथ में आप इसे ले सकते हो। इसमें दालचीनी भी है और बहुत सारी चीज़ें, यार मैं कितनी चीज़ें इसमें गिनवाऊँ आपको। और इसमें जो ये तो मैंने आपको सारे बेनिफिट बताए हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट भी मैं बता देती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, डाबर के च्यवनप्राश में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं जिनका एक्सपीरियंस है कि इससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट कब होते हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, उनके लिए थोड़ा सा नुकसान करता है। अगर आप इसे दूध के साथ लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, जितने बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल अलग हो जाता है, दूध के साथ में उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो आप इसे दूध के साथ ना लेकर के पानी के साथ ले सकते हैं। फिर भी अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से एक बार कंसर्न कीजिए, हमारे कहने पे नहीं यूज कीजिए। हम लोग यूज करते हैं, हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते हैं, लेकिन किसी को भी हेल्थ इश्यू है तो इसे यूज करने से पहले डॉक्टर से जरूर आप पूछिए। तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कुछ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को लूज मोशन लगने के चांसेस रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ले रहे हैं तो, अदरवाइज साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज का रिव्यू था ये मेरा डाबर च्यवनप्राश का, और मैंने इसे ओपन करके भी आपको दिखा दिया है, और ये बाद में इसका डब्बा भी काम आ जाता है, ये बॉक्स भी यूज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है सभी के लिए, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए। और इसमें देखो, इसमें मेंशन भी है प्रोटेक्शन फ्रॉम इलनेस। मैंने इसके साथ जितना मुझे बचपन से लेके अब तक इसके बारे में मैंने जाना है अपने मम्मी से, अपने पापा से, एक्चुअली मेरी मदर तो इसे दो टाइम लेती थी, मॉर्निंग में भी और नाइट में सोने से पहले, कि इससे हेल्थ अच्छी रहती है और ठंड भी नहीं लगती है, उनका मानना ऐसा था। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज मैंने फेस नहीं दिखाया, सिर्फ आपको मैंने इसका रिव्यू दिया है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ये था आज का मेरा रिव्यू। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।